भी रोजाना काम पर जाने के लिए मुझे सुबह उठकर इतना दूर उडकर कर जाना पड़ता है इसीलिए मेरे तो परों में दर्द शुरू हो जाता है मुझे लगता है अब इससे ज्यादा और मैं ये काम नहीं कर सकूँगा क्योंकि बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ता है इस तरह से तो मुझे लेकिन कालू तुम्हें तो पता ही है हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं अगर तुम काम करना छोड़ दोगे तो फिर भला हम खाएंगे कहाँ से हाँ यही तो मसला है तभी तो मुझे मजबूरन काम पर जाना ही पड़ता है रोज सुबह उठकर लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं रही है अब मैं नहीं जा सकता हूँ इतना दूर उड़कर सुबह सुबह तो फिर तुम एक काम करो जाकर उल्लू सेठ से एक गधा खरीद कर लेकर आ जाओ रोजाना उसी गधे पर बैठकर तुम काम पर चले जाना इस तरह से तुम बिल्कुल भी नहीं थकोगे हाँ ये तो सच में बहुत बढ़िया आइडिया है चलो एक काम करता हूँ उल्लू सेठ के पास जाता हूँ और उनका एक गधा खरीद कर ले आता हूँ फिर ऐसा कह कर कालू कावा उल्लू सेठ का गधा खरीदने चला जाता है हाँ भाई कालू कवे बोलो बोलो कौन सा गधा चाहिए तुम्हें? मेरे सारे गधे एकदम तंदुरुस्त हैं, अच्छे से काम करेंगे तुम्हारा सारा अच्छा तो फिर कोई भी एक अच्छा सा गधा दे दो मुझे वैसे है कितने का एक गधा तुम मेरे जानने वाले हो इसीलिए मैं बस तुम्हें सौदानों में ही ये गधा दे दूँगा इसीलिए अब तुम आगे बहस मत करना मुझसे बस इस गधे को अच्छे से घास खिलाते रहना फिर देखना ये तुम्हारा सारा काम कैसे करेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है सब कुछ खिलाता रहूँगा मैं इसे। अब मैं इस गधे को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से फिर पैसे देकर कालुकावा वे गधा वहाँ से ले जाता है कालू कवा का जैसे ही अपने गधे को घर के आगे लाकर बांधता है तो उस गधे को भूख लगने लगती है अरे, लगता है ये गधा भूखा है इसे भूख लग रही है लेकिन मैं क्या करूँ इसको घास कहाँ से ला कर खिलाऊँ अगर सारे पैसों की इसको घास खिला दूँगा तो फिर मैं भला कमाऊँगा क्या मुझे कुछ कमाना भी तो है कालू का काफी ज्यादा कंजूस था इसी वजह से वे अपने गधे को भूख लगने पर भी घास नहीं खिला रहा था अब कुछ ही देर बाद जंगल में रात हो जाती है कालू कवा का और प्रिय अपने घर में आराम से सो जाते हैं अगले दिन का सूरज निकलते ही कालुका अपने गधे को अपने साथ काम पर ले जाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसका गधा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा होता बाप रे बाप, क्या हो गया है इस गधे को कितना जिद्दी गधा है ये ये तो अपनी जगह से आगे बढ़ने का नाम भी नहीं ले रहा है लगता है ये ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा जब मैं इसे जोर जोर से डंडे मारूंगा तभी ये आगे जाएगा फिर कालू का अपने गधे को जोर जोर से डंडों से मारता है लेकिन वे गधा भी काफी ज्यादा जिद्दी था खाने के बगैर वे आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था लगता है आज तो ये गधा आगे बढ़ने वाला नहीं है मैं नहीं जा सकता हूँ अपने काम पर, और मैं उड़कर जाऊँगा तो मेरे परों में दर्द शुरू हो जाएगा एक काम करता हूँ आज के दिन में छुट्टी कर लेता हूँ बस फिर यही सोचकर आज आज का लुका अपने काम से छुट्टी कर लेता है अब दिन गुजरते जाते हैं और कालू का रोजाना इसी कारण से घर में छुट्टी कर कर बैठा रहता है अरे भाई कालू ये तुम क्या कर रहे हो इस तरह रोजाना छुट्टियाँ करते रहोगी तो तो तुम्हारा मालिक तुम्हें काम से निकाल देगा अरे, लेकिन मैं क्या ही करूँ देखो वे गधा तो आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता है और उड़ तो मुझसे इतना दूर जाया नहीं जाता लेकिन कालू तुम्हें कुछ तो करना होगा अगर तुम रोजाना इस तरह से काम पर नहीं जाओगे तो फिर तो हमारा क्या होगा हम तो खाना भी नहीं खा सकेंगे फिर हाँ इसी वजह से ही मैंने आज एक बहुत बढ़िया उपाय सोचा है आज तो मैं कुछ भी करके इस गधे को अपने साथ काम पर ले जाकर ही रहूँगा फिर आज कालू कौवा एक लकड़ी पर काफी ज्यादा घास बांधकर उस गधे के ऊपर बैठ जाता है अब घास को खाने के चक्कर में वे गधा जल्दी जल्दी से आगे चलने लगता है कुछ ही देर आगे चलने तक अब उस गधे को समझ आ जाता है कि कालू कौवा उसको बेवकूफ बना रहा है और उसको कोई घास खाने को नहीं मिलने वाली इसी वजह से वे गधा फिर से रुक जाता है अरे बाप रे बाप कितना नालायक गधा है ये ये तो बहुत ज्यादा चलाक है आगे चलने का नाम नहीं ले रहा है लगता है ये समझ गया है कि मैं इसे पागल बना रहा हूँ बस अब बहुत हुआ मुझे लगता है उल्लू सेठ ने मुझे धोखा दिया है मुझे अच्छा गधा नहीं दिया तभी तो ये चल नहीं रहा है एक काम करता हूँ आज रात उल्लू सेठ के सोने के बाद ये वाला गधा ले जाकर मैं वहाँ बांध दूंगा और उल्लू सेठ का दूसरा गधा लेकर यहाँ आ जाऊंगा मेरा कुछ ही देर बाद जंगल में रात हो जाती है कालू कावा अपने गधे को लेकर उल्लू सेठ की तरफ चला जाता है अब कुछ ही देर में कालू कावा दूसरा गधा ला कर अपने घर के सामने बांध देता है और काफी ज्यादा खुश होता है चलो भाई अब ये काम तो कर लिया है मैंने अब लगता है ये गधा मुझे परेशान नहीं करेगा कल ये आराम से मेरे साथ काम पर जाएगा अब मैं चलकर सो जाता हूँ अपने घर पर फिर यही सोचकर अब कालू कहवा का अपने घर में सो जाता है अब अगले दिन सुबह होते ही कालू कहवा का दूसरे गधे को भी अपने साथ काम पर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन बिना कुछ खाए वो गधा भी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा होता और ये गधा भी बिल्कुल उसी की तरह ही जिद्दी लग रहा है मुझे तो इन गधों से अब चढ़ाने लगी है अब देखो मैं इस गधे के साथ क्या करता हूँ बस फिर गुस्से में अब कालू कवा दूसरे गधे को काफी ज्यादा जोर जोर से मारता है जिसके कारण उस गधे की मृत्यु हो जाती है पता नहीं कैसा गधा था ये अच्छा हुआ जो ये मर गया है अब जाता हूँ उल्लू सेठ के पास और उससे जाकर अपने पैसे वापस मांगता हूँ क्या बेकार गदा दिया था उसने मुझे फिर यही सोच कर कालू का उल्लू सेठ के पास चला जाता है अरे उल्लू सेठ उल्लू सेठ किस किस्म का गधा दिया था तुमने मुझे किसी काम का नहीं है बिल्कुल भी चलने का नाम नहीं ले रहा था इसी वजह से ही रात में मैंने तुम्हारे गधे से अपना गधा अदली बदली कर लिया था लेकिन दूसरा वाला गधा भी चलने का नाम नहीं ले रहा है पता नहीं कैसे नालायक गधे रखे हुए हैं तुमने अपने पास वह सब बहुत हुआ मुझे मेरे पैसे वापस दे दो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई भी गधा अच्छा ठीक है ठीक है लाओ मेरा गधा वापस लाकर मुझे दो और मैं तुम्हें पैसे वापस दे देता हूँ पर वो गधा तो चलने का नाम नहीं ले रहा था इसी वजह से मैंने उसे डंडों से खूब मारा जिसकी वजह से वो तो अब मर गया है क्या मतलब तुमने मेरे गधे को मार दिया है अब मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे कोई वापस नहीं करूंगा पहले मेरा गधा मुझे ला कर दो तभी तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिलेंगे जब बिना कुछ खिलाए गधे को ऐसे ही चलाओगे तो गधा क्यों चलेगा तुम्हारे साथ वो तो तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा और तुम तो कितने ज्यादा कंजूस हो बिना कुछ खिलाए ही गधे को आगे ले जाना चाह रहे थे और जब वो आगे नहीं गया तो तुमने उसको मार दिया कालू कौवे तुम बहुत ज्यादा जालिम हो तुम अभी यहाँ से चले जाओ वरना मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा बस फिर महाराज का नाम सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है अब घर पर आते ही प्रिया कवि भी जबरदस्ती गुस्सा करके कालू कवे को ऐसे ही काम पर भेजने लगती है कालू मैं नहीं जानती हूँ बस मुझे तो किसी भी तरह से पैसे चाहिए जाओ और कमा कर लाओ कहीं से भी कालू का मजबूर होकर उड़ते हुए ही काम पर जाना पड़ता है कालू काव्य के परों में होता है, लेकिन उसे अपनी गलती की सजा मिल रही होती है ये कहानी एक बहुत ही बड़े और काफी पुराने से जंगल की है इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे वैसे तो उस जंगल में सभी पक्षियों का अपना अपना घर था मगर जंगल के किसी भी पक्षी के घर में वॉशरूम नहीं था उस जंगल में एक ही पब्लिक टॉयलेट था इसीलिए जंगल के सभी पक्षी उसी टॉयलेट में जाया करते थे पूरे जंगल में एक ही बाथरूम होने की वजह से जंगल के सभी पक्षी लाइन लगाकर बारी बारी से जाया करते थे उस एक ही बाथरूम के होने की वजह से बाथरूम के आगे काफी ज्यादा पक्षियों की लाइन लग जाती थी इसीलिए जंगल के सभी पक्षी सुबह सुबह उठकर जल्दी ही वॉशरूम के आगे लाइन लगा लेते थे एक सुबह की बात है उस जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था उस कालू कौवे की एक बहुत ही बुरी आदत थी वे कालू कौवा रोज सुबह सुबह जल्दी उठकर काफी सारा भोजन खा लिया करता था एक दिन वे कालू कौवा का अपने घर पर सुबह बैठा होता है और चल भाई कालू अब जल्दी जल्दी अपना भोजन खाकर बाथरूम में हल्का होने के लिए चला जा वरना अगर देर हो गई, तो जंगल के सभी पक्षी बाथरूम के आगे लाइन लगा लेंगे बस फिर क्या था अब वे कालू कौवा का भोजन करने लगता है उसे भोजन करते करते अब काफी ज्यादा देर हो जाती है जिसके कारण वे कालू काफी ज्यादा भोजन कर लेता है और भाई ये क्या हो गया आज तो मैंने भोजन करते करते काफी देर कर दी है ओ, कितना दर्द हो रहा है मेरे पेट में आज मैंने बहुत ज्यादा भोजन खा लिया है लगता है अब मुझे जल्दी से जाकर हल्का होना पड़ेगा ऐसे तो मेरी हालत खराब हो जाएगी बस फिर अब यही सोचकर वे कालू कौवा जल्दी जल्दी पब्लिक टॉयलेट के पास आ जाता है लेकिन वहाँ करवे वे कालू कौवा का देखता है तो उस बाथरूम के आगे तो पक्षियों की काफी लंबी लाइन लगी होती है अरे ये क्या हो गया आज तो इतनी लंबी पक्षियों की लाइन लगी हुई है मुझे देर भी तो हो गई है पर मैं क्या करूँ मेरे तो पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है मैं इतना समय इंतजार नहीं कर सकता हूँ अब मैं क्या करूं? अब मुझे इन सब पक्षियों से बात करनी ही होगी इन सब पक्षियों को मेरे पेट का हाल बताना ही होगा और पक्षियों आप सब लोग जरा मेरी बात सुनिए आप सब लोग पहले मुझे हल्का होने के लिए जाने दीजिए मैं क्योंकि ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर पाऊंगा मेरी हालत बहुत खराब है मेरे पर क्या लुकअे तुमसे नहीं रुका जा रहा तो हम लोग क्या करें हम लोग भी तो काफी देर से लाइन लगा कर खड़े हुए हैं यहाँ पर हाँ भाई आखिर कालू कहवे तुमने इतना भोजन खाया ही क्यों था जो अब तुमसे रुका ही नहीं जा रहा है इसमें हमारी गलती थोड़ी है हम भी तो कितनी देर से खड़े हुए है यहाँ आरोप कवे हम सब ऐसा नहीं कर सकते है अब तो हम सब के हल्के होने के बाद ही तुम्हें जाना पड़ेगा वॉशरूम अरे पर पक्षियों ऐसा भी क्या हो जाएगा अगर आप लोग पहले मुझे जाने दे देंगे तो अरे हम पागल थोड़ी हैं हम तो सुबह से यहाँ पर खड़े हुए हैं और तुम आकर कह रहे हो कि हम तुम्हें जाने दे दे पहले ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई ये मिट्टू तो ठीक कह रहा है हम लोग तुम्हें नहीं जाने दे सकते हमें यहाँ से हल्का होकर अपने अपने काम पर भी जाना है कालू कव्य हम सभी पक्षी ठीक कह रहे हैं अब अगर तुम्हें हल्का होना है तो तुम्हें हम सब पक्षियों के जाने का इंतजार करना ही होगा और अगर तुम नहीं रुक सकते हो तो तुम कहीं और चले जाओ ऐसे तो हम लोग तुम्हें पहले नहीं जाने दे सकते हैं क्योंकि हम लोग भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और पक्षियों ये अच्छी बात नहीं है आप सभी पक्षी मेरे साथ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं बस फिर ये सब होने के बाद उस कालुकाव्य को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है अब वे कालू कौवा जंगल से कहीं दूर हल्का होकर वापस अपने घर में आ जाता है और अपने घर पर आकर सोच रहा होता है और इन सब पक्षियों ने आज मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है अब मुझे इन सब पक्षियों को कल मजा चखाना ही होगा अब देखना अब मैं कल सुबह से ही वॉशरूम में घुस जाऊंगा और पूरा दिन गुजरने के बाद भी बाहर नहीं आऊंगा फिर मज़ा आएगा इन सबको जब इन लोगों को वॉशरूम में जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो फिर इनको पता लगेगा बस फिर अब ऐसे ही रात हो जाती है और वे कालू का कौवा सो जाता है अब अगले दिन सुबह सुबह वे कालू कौवा का जंगल के सभी पक्षियों के उठने से पहले ही वॉशरूम में घुसकर बैठ जाता है बस फिर अब कुछ ही देर गुजरने के बाद जंगल के सभी पक्षी आहिस्ता आहिस्ता करके बाथरूम के आगे लाइन लगाने लगते है अरे भाई क्या हो गया कौन गया हुआ है इतनी देर से वॉशरूम में कितनी देर हो गई है लाइन आगे ही नहीं बढ़ रही अरे पता नहीं मीनू चिड़िया कौन गया हुआ है अंदर हम लोग तो जब से आए हुए हैं जब से ही ये दरवाजा अंदर से बंद है पक्षियों मुझे लगता है कि कालू कौवा होगा अंदर वे कल की वजह से आज सुबह जल्दी उठकर ही वॉशरूम में आ गया होगा हाँ हाँ वो तो सही है पर देखो तो कितनी देर हो गई है वे कालू का कव्वा अभी तक बाहर भी नहीं आया अरे कोई कालू कव्य को आवाज लगा कर बोले कि जल्दी बाहर आओ हम सबको भी हल्का होने जाना है अरे भाई कालू कव्य क्या हो गया है तुम्हे जल्दी बाहर आओ यहाँ बाहर देखो कितने सारे पक्षी जमा हो गए हैं हल्का होने के लिए अरे ये कालू कौवा तो बहुत ही ढीठ है जवाब भी नहीं दे रहा है कब से अंदर घुसा हुआ है अरे छोड़ो पक्षियों जहाँ इतनी देर इंतजार किया है वहाँ थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं इस कालू कवे के बाहर आने का बस फिर अब रंगीन पक्षी के कहने पर सभी पक्षी काफी इंतजार करते हैं लेकिन वे कालू कौवा तो बाहर ही नहीं निकलता अरे रंगीन पक्षी देखो हमने कितना इंतजार कर लिया है अब तो काफी देर हो गई वे कालू कहवा बाहर ही नहीं आ रहा है मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है कल की वजह से वे कालू हमसे बदला ले रहा है वो जान बुझ कर बाहर नहीं निकल रहा हाँ हाँ मीनू चिड़िया तुम सही कह रही हो जरूर ये कालू कौवा का हमसे कल का ही बदला ले रहा है अरे पक्षियों अब हम सब एक काम करते हैं हम सब मिलकर वॉशरूम की छत हटा देते हैं और देखते हैं कि वे कालू कौवा का अंदर क्या कर रहा है इस तरह हमें पता चल जाएगा कि वे कालू कौवा का हमें परेशान कर रहा है बस फिर क्या था अब वे सभी पक्षी मिलकर वॉशरूम की छत हटाते हैं और देखते हैं हैं, तो वे कालू कव्व तो अंदर आराम से बैठा हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है फिर सभी पक्षी काफी गुस्से में आकर उस कालू कवे को बाथरूम से बाहर निकाल देते हैं अरे अरे पक्षियों क्या हो गया भाई आप सब इतने गुस्से में क्यों है मुझे बाहर क्यों निकाला ऐसे तेरे ये क्या हरकत थी कालू कव्य हम सभी पक्षी यहाँ पर खड़े तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और तुम्हों के अंदर आराम से बैठे हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे थे हाँ तो अब आप सब पक्षियों को पता चला होगा ना कल आप लोगों ने भी तो मेरे साथ ऐसा ही किया था मुझे भी ऐसे ही बहुत ज्यादा गुस्सा आया था अरे पर कालू कव्य कल तुम्हारी गलती थी तुम ऐसे ही नहीं जा सकते थे हम सभी पक्षियों से पहले वॉशरूम में हमने भी काफी देर से लाइन लगाई हुई थी और भाई पक्षियों अब बहस का कोई फायदा नहीं है अब मेरा बदला तो पूरा हो गया है अब आप सभी पक्षी मुझे माफ कर दें मैं चला अपने घर कालु कवे तुम ऐसे कहा जा रहे हो अपनी इस हरकत का इनाम तो लेकर जाओ हाँ हाँ कालु कवे तुम अपनी आँख बंद करो फिर हम सभी पक्षी तुम्हें इनाम देंगे अच्छा वाह मुझे लगता है आप सभी पक्षी तो बहुत खुश हुए हैं मुझसे अब मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ लाइए लाइए जल्दी से मेरा इनाम लाइए बस फिर उस कालू कव्य के आंख बंद करते ही वे सभी पक्षी उस कालू कव्य के ऊपर अपना गुस्सा खूब उतारते हैं अरे पक्षियों ये ठीक नहीं किया आप लोगों ने कोई इतना मारता है क्या भला कितनी धुलाई कर दी मेरी कहु कवे अभी तो हमने सिर्फ तुम्हारी पिटाई की है और तुम्हें सिर्फ आधी सजा मिली है अब तुम्हें इस वॉशरूम की ये जो छत खराब हुई है इसकी भी तो मरम्मत करवानी होगी अरे जाओ भाई जाओ अब तो मैं ये सब नहीं करने वाला। मैं नहीं करवाऊंगा इस वॉशरूम की छत की मरम्मत मेरे कालू कव्य चुपचाप तुम ये काम करवाते हो या फिर हम सभी पक्षी मिलकर और धुलाई करें तुम्हारी अरे अरे पक्षियों ठीक है ठीक है ऐसे तो आप लोग मेरी जान नहीं छोड़ेंगे मेरे को और नहीं पिटना है मैं इसको ठीक कर देता हूँ बस फिर क्या था अब वे कालू कव्वा का उस वॉशरूम को दोबारा से ठीक कर देता है मेरे कालू कव्य वैसे अब मुझे लगता है कि तुम आज के बाद अब ऐसी हरकत नहीं करोगे दोबारा अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो हम सभी पक्षी इससे ज्यादा मरम्मत करेंगे तुम्हारी बस फिर अब ऐसे ही उस जंगल में सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाता है और सभी पक्षी अब दोबारा से लाइन लगाकर वॉशरूम जाने लग जाते हैं एक जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे उस जंगल के सभी पक्षी काफी ज्यादा खुश और सुकून की जिंदगी गुजारते थे जंगल में किसी पक्षी को भी कोई मसला नहीं हुआ करता था अगर कोई परेशानी भी होती थी तो जंगल के सभी पक्षी मिलकर उसका सामना किया करते थे उस जंगल में अभी बारिशों का मौसम चल रहा था जिसके कारण काफी ज्यादा ठंड भी थी उनके जंगल में जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति मानो चिड़े के साथ रहती थी उस मीनू चिड़िया ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने घर में अंडे दिए होते हैं। वे मीनू चिड़िया अपने दिए हुए अंडों का काफी ज्यादा ध्यान रखा करती थी उस जंगल के सभी पक्षी रात में लकड़ियों में आग जलाकर एक साथ बैठा करते थे क्योंकि बारिश की वजह से काफी ज्यादा ठंड थी इसी वजह से सभी पक्षी आग जला बारिश का मजा लिया करते थे फिर एक रात जंगल के सभी पक्षी लकड़ियों में आग लगाकर एक जगह पर बैठे होते हैं एक साथ अरे पक्षियों देखिए कुछ दिनों से हमारे जंगल का मौसम कितना अच्छा चल रहा है ना? हाँ हा, मीनू चिड़िया तुम सही कह रही हो ये हल्की हल्की बारिश तो कितनी अच्छी लग रही है और हाँ। बारिश मुसलसल होने की वजह से हमारा ये जंगल और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है कितना अच्छा होगा अगर हमारे जंगल की ये हरियाली हमेशा ही ऐसी रहे वाह भाई वाह कितना सुकून है इस मौसम में मज़ा बहुत आ रहा है लेकिन कहु का अगर बारिश ना भी होती तब भी हमारा जंगल सभी जंगलों से बड़ा और खूबसूरत भी है अरे हाँ हाँ मिठू तोते तुम सही कह रहे हो पर अभी हम सब पक्षियों को यहाँ पर बैठे हुए काफी ज्यादा देर हो गई है बातों बातों में काफी ज्यादा समय बीत चुका है अब हम सबको अपने अपने घर पर जाना होगा हाँ हाँ मीनू जल्दी चलो घर काफी देर हो गई है हमारे अंडे भी ऐसे ही रखे हुए हैं घर में बस फिर अब सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं उस जंगल में एक काफी पुरानी नदी थी जिसके अंदर एक सांप ने अपना बसेरा कर लिया था लेकिन अब बारिश होने की वजह से उस नदी का पानी काफी ज्यादा ठंडा हो गया था जिसके कारण सांप से उस पानी के अंदर नहीं रहा जाता था उस सांप से अब वे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही होती है इसीलिए वह सांप उस नदी से बाहर निकलकर जंगल की एक गुफा में रहने के लिए आ जाता है अरे वाह ये गुफा तो बहुत ही ज्यादा गर्म है उस नदी से तो काफी अच्छी है ये गुफा इस ठंडी में गुफा में रहने का तो मज़ा ही अलग है लेकिन उस नदी से तो मैं छोटी मछलियों को पकड़कर अपना पेट भर लेता था लेकिन यहाँ पर तो कोई मछली भी नहीं मिलेगी मुझे अब मैं क्या करूँ मुझे कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा यहाँ पर भी अब मुझे यहाँ पर भोजन तलाश करने के लिए जंगल में निकलना ही पड़ेगा लेकिन इस बारिश में तो कुछ भी भोजन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा इस जंगल में अब मुझे किसी पक्षी के घर में जाकर ही कुछ ना कुछ ढूंढना होगा बस फिर वे सांप सभी पक्षियों के घरों के बाहर भोजन तलाश कर रहा होता है तभी उस सांप को मीनू चिड़िया के घर से अंडों की खुशबू आने लगती है अरे वाह भाई वा, बढ़िया सुगंध है लगता है इधर तो चिड़िया ने अंडे दिए हुए हैं। बस फिर क्या था अब वे सांप मीनू चिड़िया के घर में उसके अंडे खाने के लिए घुसता है और सारे के सारे अंडे खा जाता है बस फिर वे सांप मीनू चिड़िया के सारे अंडे खाकर वापस अपनी गुफा में आ जाता है अरे वाह भाई वाह आज तो अच्छी खासी पेट पूजा हो गई है मीनू चिड़िया के अंडे खाकर तो मज़ा ही आ गया आज मेरा पेट तो काफी ज्यादा भर गया है आज रात मुझे अच्छी नींद आएगी अब मैं सो जाता हूँ बहुत ज्यादा भूख लग रही थी मुझे अब मेरा पेट भर गया है फिर अगले दिन जब मीनू चिड़िया और मानू चिड़ा सुबह उठते हैं, तो वे देखते हैं कि उनके सारे अंडे टूटे होते हैं अरे मानू चिड़ी ये देखो ये क्या हो गया है ये हमारे अंडे कौन खा गया है अरे पता नहीं मीनू चिड़िया मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है ये अंडे कौन खा गया हमारे वैसे मीनू चिड़िया मुझे यहाँ पर सांप के आने की बात आ रही है ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में सांप आया था अरे मीनू चिड़े मैं क्या करूँ अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरे अंडे अरे मीनू चिड़िया देखो तुम उदास मत हो और अभी ये सब बातें छोड़ो अगर ये किसी सांप का काम है तो वह सांप हमें भी नुकसान पहुँचा सकता है इसीलिए अब हमें सारे ही पक्षियों से इस बारे में बात करनी होगी हाँ हाँ मानो चिड़े तुम सही कह रहे हो अब हमारे अंडे तो वापस नहीं आ सकते है पर हाँ अब हम किसी और का नुकसान भी होने नहीं दे सकते है चलो हम चल कर सभी पक्षियों को बता देते हैं फिर अब वे दोनों जंगल में आ जाते हैं और सभी पक्षियों को भी बुला लेते हैं अरे मीनू चिड़िया मानो चिड़े हम सब पक्षी तो रोज रात में बैठा करते थे ना बारिश में बाहर फिर तुम दोनों ने अभी दोपहर में हम सबको यहाँ पर क्यों बुलवा लिया वो पक्षियों हमें आप सबको बहुत जरूरी बात बतानी है वो बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसीलिए दोपहर में ही आप सबको बुला लिया फिर अब वे मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को सारी बात बता देती है पर ये कैसे हो गया मीनू चिड़िया तुम तो अपने अंडों का कितना ख्याल रखती थी अरे पक्षियों अब हम वैसे भी क्या कर सकते हैं मीनू चिड़िया तो ध्यान रखती थी हम रात में तो सो गए थे फिर पता नहीं हमारे अंडे कौन खा गया वैसे मुझे लगता है कि हमारे अंडे सांप खा के गया है हमारे घर से सांप के आने की बात आ रही है इसीलिए मैं तो कहता हूँ अब हम सभी पक्षियों को मिलकर उस सांप को और पक्षियों का नुकसान करने से रोकना होगा मानु चिड़े तुम सही कह रहे हो पर हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर वे सांप रहता कहाँ पर है हमारे जंगल में रंगीन पक्षी एक तरीका है उस सांप को पकड़ने का देखो हम सब जंगल में एक जगह पर दूध रख देंगे फिर देखना वे सांप जरूर दूध पीने के लिए बाहर आएगा फिर हम उसको वहाँ पर ही पकड़ लेंगे और हाँ हा, मिठू तोता सही क्या रहा है ये बिल्कुल ठीक रहेगा अब हमें ऐसा ही करना होगा फिर अब रात को वे सभी पक्षी जंगल में एक जगह पर दूध रखकर अपने अपने घरों में उस सांप के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं बस फिर कुछ ही देर में उस सांप की गुफा में दूध की महक आने लगती है उस महक का पीछा करते करते वे सांप जंगल में आ जाता है बस फिर क्या था उस सांप के वहाँ पर आते ही जंगल के सभी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं अरे वाह सांप तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार निकले तुमने ही कल रात मेरे घर में घुस के मेरे अंडे खा लिए थे बताओ सांप तुम हमारे जंगल में क्या कर रहे हो ये जंगल पक्षियों के रहने के लिए है तुम यहाँ पर नहीं रह सकते और हाँ साहब तुम आए तो आए हमारे जंगल में ऊपर से तुम हम सभी पक्षियों का नुकसान भी कर रहे हो तुम मीनू चिड़िया के अंडे खा गए अरे पक्षियों मैं यहाँ पर आप सबको परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ वो मैं जिस नदी में रहता था उस नदी का पानी काफी ज्यादा ठंडा हो गया है मुसलसल बारिश होने की वजह ऐसी जंगल में काफी ज्यादा ठंड पड़ गई है और उसी ठंड की वजह से नदी का पानी बहुत ठंडा है मुझसे उस ठंडे पानी में नहीं रहा जाता इसीलिए मैं यहाँ आपके जंगल की गुफा में रहने आया हूँ और हाँ पक्षियों अब जब तक बारिश नहीं रुकेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और मैं ऐसे ही सभी पक्षियों का नुकसान करता रहूँगा अच्छा अगर ऐसा है तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम बादल भैया से जाके बोलते हैं कि वे बारिश बंद कर दें। हाँ वैसे पक्षियों अब बारिश भी बहुत हो गई है हमारे जंगल में अब हमें बादल भैया को कह देना चाहिए बारिश के लिए हाँ पक्षियों अगर बारिश रुक जाएगी तो मैं वापस अपनी नदी में चला जाऊंगा हाँ ठीक है साहब तुम इधर ही रुको और मीनू चिड़िया और मानो चिड़े तुम दोनों बादल भैया के पास जाओ और उनसे जाकर बात करो और बारिश रुकवा कर यहाँ आ जाओ हाँ चलो ठीक है हम लोग अभी जाकर बादल भैया से बात करके आते हैं फिर मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा बादल के पास आ जाते हैं और पक्षियों तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो अरे वो बादल भैया हमें आपसे एक बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है बस फिर मीनू चिड़िया बादल को सारी बात बता देती है चो ठीक है ठीक है मैं वैसे भी कुछ दिनों में तुम्हारे जंगल में बारिश बंद करने वाला था और अब तुमने कह दिया है तो अब रात में ही मैं बारिश बंद कर दूंगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल भैया अब हम लोग वापस जा रहे हैं बस फिर वे दोनों जंगल में वापस आ जाते हैं और उस सांप को बता देते हैं कि आज रात जंगल में बारिश रुक जाएगी ठीक है पक्षियों अब आप लोग मुझे माफ कर दो आप लोगों को मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई है अब मैं वापस अपनी नदी में चला जाऊंगा मैं दोबारा से नदी की छोटी मछलियाँ खाकर ही अपना गुजारा करूंगा बस फिर अब आधी रात को बारिश बंद हो जाती है और वो सांप वापस अपनी नदी में चला जाता है अब अगले दिन से सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाता है और सभी पक्षी दोबारा से खुश रहने लगते हैं